यस्ु में आपकी सलामती मैं हूं आपका होस्ट पास्टर अरफ मसीह प्रोग्राम राह के लिए रोशनी में एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं हमारा आज का मौजू है पहाड़ीवाज़ और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान पास्टर क्लेमट जॉर्ज साहब फाउंडर विजनरी एंड चेयरमैन फेथ चर्च मिनिस्ट्री क्रिश्चियन फेलोशिप सेटलाइट टाउन रावलपिंडी और हमारे दूसरे मेहमान हैं पास्टर जॉनसन बटी साहब पास्टर इंचार्ज एफ जी ए चर्च मोहल्ला रजा सुल्तान रावलपिंडी इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आए हम दुआ करें नहायती मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप दिल की यथा गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चराग और हमारी राह के लिए रोशनी है फजल बख्शिए कि आज जब हम तेरे पाक कलाम की गुफ्तु करने को हैं पहाड़ी वाज पर तो खुदांद में तू हमारी मदद करना और आज जितनी बातें इस ताल्लुक़ से हों उससे बहुत से लोग बरकत पाएँ और तेरी राह पर चलने के लिए तैयार हो जाए मसीयसू के नाम में आमीन पास्ट साहब आज हम पहाड़ी वाज पर गुफ्तु करने जा रहे हैं तो मेरा सवाल है पहाड़ी वाज क्या है पास्टर जॉनसन बटी साहब पाटू साहब बड़ा अच्छा सवाल है खास करूंगा क्योंकि जो पहाड़ी वाज में। है ये बाइबल मुकदस में बड़ा ख़ास है बड़ा मशहूर है ए, अगर हम ऊपर की आयात को पढ़ें जो चौथे बा में मती चौथे बा में तो लिखा है कि उसकी शोर तमाम सूर्या में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ़्तार थे और उनको जिनमें बदरुए थी और मिर्गी वालों ने फ्लूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया और गलील और दुप और यरूशलम और यूदिया और यर्दन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो होली उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया अगर हम इसका इंग्लिश में तर्जुमा पढ़ते हैं तो ही सिट बिसाइड द माउंटेन मतलब पहाड़ के ऊपर नहीं बल्कि उसकी साइड पर बैठ गया ताकि भीड़ से ऊँचा रहे और नीचे भीड़ जो है कलाम सुन सके और आगे हमने देखा है कि उसके शगिर्द उसके पास है शगर्दों को पास पहाड़ पर बुलाया उस साइड पर और जो भीड़ थी चूँकि बहुत ज़्यादा थी और यस्स चाहते थे कि मैं ऊंची जगह पर बैठूं ताकि सब को नजर आऊं और जो मेरा कलाम है वो सब तक पहुँचे तो यसुमसी अक्सर इस तरह करते थे एक दफ़ा खुदाम यसुमसी जब कलाम सुना रहे थे तो झील के किनारे उन्होंने कलाम सुनाया और उन्होंने पत्रस की कश्ती को इस्तेमाल किया ताकि लोग जो हैं वो मेरे ऊपर न चढ़ जाएं और उन्होंने कश्ती में बैठकर कर वहाँ पर कलाम सुनाया तो इसी तरह ये एक पहाड़ी हम इसको इसलिए कहते हैं कि यह सुने पहाड़ी की साइड पर बैठकर लोगों से ऊंचा होकर ताकि लोगों को नज़र भी आए और लोग कलाम भी सुन सकें और ये बड़ा खूबसूरत वाज है जो तीन बाब पर मुश्तमिल है मुकदस मती ने इसको पाँचवें छठे और सातवें बाब में यहाँ पे रकम किया है और बड़ी खूबसूरत बातें हैं जब हम इसे आगे जाएंगे तो हमें और भी बरकत मिलेगी बहुत अच्छा पास्टर साहब इसका मतलब यह है कि यसुम सी ने पहाड़ का इंतख्य इसलिए किया चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और यसुमसी उनसे थोड़ा अलग होकर अपने शागिर्दों को कुछ सिखाना चाहते थे पास्टर साहब पास्टर क्लेमेंट साहब आप भी बहुत खुदा के सीनियर पास्टर हैं आप थोड़े इस पर मजीद रोशनी डालें दरअसल पहाड़ी पहाड़ीबाज के अंदर एक मुकाशवा है और वो मुकाशवा यह है कि खुदा ने इसराइल के साथ दिया में पहाड़ी कोह सीना को इस्तेमाल किया और कोह सीना से खुदा ने कलाम किया और उनको दासकाम दिए और शरीयत दी अब खुदा दूसरी जगह पर आके इस पहाड़ी का इंतखब करता है और इस पहाड़ीबाज का दासुकुमों के साथ गहरा रिलेशन है गहरा ताल्लुक है तो जैसे खुदा ने ज़मीनी ज़िंदगी में असुलात को दसुखों की सूरत में बनी सैल को दिए वैसे खुदाउ यसु मसीह यहाँ पर आसमान की ज़िंदगी के जो असूलत हैं उनको शागिदों पर जाहिर करते हैं और ना सिर्फ शागिरदों पर बल्कि ये आलमगीर मैसेज है तमाम दुनिया के लिए और इस वक्त हम देखते हैं कि यसु मसीह का ये पहाड़ी वास इसके नतीजे में आलमगीर तौर पर हर कौम रंग नसल बोलीं के लोग मसीह की कलिसिया के पैरोकार हैं मसीह की कलिसिया में शामिल हैं और इस पहाड़ी वाज के वो पैरोकार हैं फर्स्ट साहब आपका मतलब यह है कि ये पहाड़ी वाज जो सी ने दिया ये सारी दुनिया के लिए रोशनी है राह के लिए रोशनी है तो इस पर अमल जो भी करेगा वो बरकत पाएगा और ये ख़ास तौर पर आसमान की बादशाही के शहरीों के लिए एक मंशूर का दर्जा रखता है बहुत शुक्रिया आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और बड़ा अच्छा इस पर हमने गुफ्तु की अगला मेरा सवाल है यसुमसी ने कहा मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है दिल के गरीब से मुराद ये है कि जो हलीम और फ्रोतन है और उनके अंदर तकबर नहीं घुमंड नहीं मगरूर नहीं वो खुदा के सामने हम्बल हैं मीक हैं तो अब्राहम जब उसकी बीवी के दफ़न करने का मौका आया तो उसने अपने आप को एक गरीब के तौर पर एक मुसाफ़र के तौर पर एक वतन के तौर पर पेश किया जबकि उन सरदारों ने कहा तू हमारे दरमियान एक ज़बरदस्त सरदार है तो लोगों की निगाहों में वो ज़बरदस्त सरदार था लेकिन अपनी निगाह में और खुदा की निगाहों में वो गरीब था दिल का गरीब था अगरचे उसके पास सोना चांदी माल मवेशी और बड़े जानवर और बड़े रेवड़ थे लौंडियाँ और गुलाम थे लेकिन वो दिल में बहुत हलीम और फ्रोतन था और वो दिल की गरीबी की तस्वीर अपनी ज़िंदगी से पेश करता है आ, कहना चाह रहे हैं कि दिल का गरीब होना ये दुनियावी तौर पर गरीब होना मुराद नहीं है बस सब इसके मतलब आप मजीद क्या कहना चाहेंगे आ, बड़ा अच्छा कहा पादी साहब ने कि हलीम होना फरोतन होना लेकिन अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें तो दिल के गरीब होने का पुअर इंस्पिरट के मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी हलीम होना जैसे इब्राहम की मिसाल दी के सब कुछ खुदा ने उसको दिया लेकिन वो मतलब घुमांड नहीं है गुरूर नहीं है फ़ख्र नहीं है मतलब हलीमी उनके बोल चाल से किरदार से अमलों से बातों से तो इसी तरह खुदांद की बदशी में वही लोग जाएंगे वही मुबारक होंगे जो सब कुछ रखने के बावजूद घुमंड नहीं करते ग्रूर नहीं करते फ़ख्र नहीं करते कि ये सब कुछ खुदाम का दिया हुआ है ये हमारी वजह से नहीं बल्कि खुदाम की साहबी बरकतें हैं तो इसलिए यसु मसी ने यहीं से शुरू किया कि मुबारक वो हैं जो बातनी तौर पर दिल से यानी अपनी रूह में हलीम है फ़रोतन है घमंड नहीं करते किसी चीज़ पर गुरू नहीं करते ना रूहानी घमंड ना जसमानी घमंड मतलब कई दफ़ा रूहानी घमंड भी होता है कि हमें बहुत कलाम आता है मैं बहुत बाइबल को समझता हूँ तो ये खुदाउद की तरफ से हमें एक गिफ्ट है ये सारी रूह की नेमतें ये गिफ्ट हैं इसलिए जो कुछ दिया है ये खुदाउद ने दिया है हमें बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और ये है दिल की गरीबी आपका मतलब यह है कि दिल का गरीब होना यह है कि हम सब कुछ होते हुए भी खुदा के मोहताज हैं खुदा की रहमतों के मोहताज हैं खुदा के करम के मोहताज हैं और ये मोहताजी हम में सदा रहती है और खुदा के लोगों में जो खुदा पर तोकिल करते हैं उनमें ये मोहताजी जो है खुदा के करम की रहती है और माफी की मोहताजी हमें हर इंसान को खुदा क्या मोहताज रहना चाहिए क्योंकि सब कुछ का मालिक तो खुदा ही है बहुत शुक्रिया पर सब मेरा अगला सवाल यह है कि युसमसी ने कहा मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं इससे आप क्या नतीजा निकालते हैं ये गमगीनी कैसी गमगीनी है ये गमगीनी दुनियावी गमगीनी नहीं ये मालो दौलत के लिए गमगीनी नहीं ये आल औलाद और औरहदे के लिए गमगीनी नहीं ये खुदा की मोहब्बत की गमगीनी है खुदा के लोगों की गमगीनी है कि वो गमगीन है कि खुद ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़ुदा की बादशाह में आए वो इंझील की फ़िक्र के लिए गमगीन है कि इंझील लोगों तक पहुँचे ताकि इंझील की रोशनी से लोग तारीकी में से निकल कर आसमान की बादशाह के लिए तैयार हों ये रूह की फ़िक्रमंदी की गमगीनी है और यूसु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो दिल के गमगीन है क्योंकि वो आ… तसली पाएंगे तो तसली हकीकी तसली हकीकी इतमी खुदान यसु मसीह के पास है खुदा भाप के पास है दुनिया की दौलत माल दौलत और बड़े ख़ानदान और बड़ी प्रॉपर्टी और बड़ी जायदाद और बड़े बैंक मैन से तसली नहीं होती ये तसली सिर्फ खुदान की तरफ से है और वो दिल की गमी गमगीनी ये, ये जाहिर करती है कि वह खुदा की मोहताजी में है यानी कि खुदा के लोग जो हैं जो यसुम सी ने अपने शगर्दों को ये जो दिया सरमन दिया और इसमें यसुम सी ने अपने शगर्दों को बताया कि उन्हें जो है गमगीन होना है यानी दूसरे लोगों के लिए गमगीन होना है जो गैर जाती याफ्तः हैं जो यसुम सी से वाकफ़ नहीं हैं उनकी तड़प रखें अपने अंदर गम रखेंगे तो फिर वो उन तक पहुंच सकेंगे ताकि वो भी निजात पा सकें और हमेशा की ज़िंदगी पा सकें बस सब आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि मजीद आप कुछ कहना चाहेंगे आ बड़ा अच्छा उन्होंने बयान किया है कि खुदा यसुमसी ने कहा कि मुबारक व जो गमगीन है अब वो गमगीन नहीं है परेशान होना या फिक्रमंद होना बेशक दुनिया में और भी गम हैं और भी परेशानियां हैं लेकिन रूहानी लोगों के लिए गम ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निजात पाएँ रूहें बच जाएँ लोग दोखख में ना जाएँ इसके लिए खुदा के लोग क्या करते हैं रोज़ा करते हैं दुआ करते हैं आंसू बहाते हैं गमगीन होते हैं कि काश मेरे अजीज़ मेरे रिश्तेदार मेरे मुल्क के लोग मेरे शहर के लोग जो हैं वो उस दोजक की आग में ना चले जाएँ वो निजात पा जाएँ तो मतलब जो नजात का है एक गम कि सब निजात पा जाए क्योंकि यसुम सी ने भी कहा कि खुदाउद जो है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि वो चाहता सब की तोबा तक नौबत पहुँचे तो खुदाउद यसुम तो सब को बचाने आया और यर्मिया की किताब अगर पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि मेरी रूह खिलवत ख़ानों में जो है वो गम करती है कि रूहों के लिए वो बन इसराइल के लिए गम करता था कि बन इसराइल के जो लोग हैं वो सारे निजात पा जाएँ बुत परस्ती छोड़ दें खुदाउद की तरफ आ जाएँ जाने के खुदाउ ने हमें रहा किया है और वही हमें मुल्क महदा में लाया है और वो उस वक्त तो मुल्क महदा थी अब खुदाउद यसम आसमान की बादशाह की बात कर रहा है तो इसलिए आसमान की बादशाह में ज़्यादा बरकतूनी को मिलेगी जो रूहों के लिए लोगों के लिए फिक्र करते हैं गमगीन होते हैं आ, उनके लिए आंसू बहाते हैं कि काश सब निजात पा जाएँ तो ये एक एक रूहानी गम कह लें बहुत अच्छा पास साहब आपने बड़ा खूबसूरत बयान किया आ, अगला अगली मुबारकबादी ये कहती है कि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे ये आ, कैसी किस हलीमी की बात ये सुनसी कर रहे हैं यहाँ पे? हलीमी से मुराद ये है कि वो खुदा की जात पर तोल और भरोसा रखते हैं और वो अपने सारे मामलों के लिए अपने आप को पेश नहीं करते बल्कि जात अलाही पर खुदा की जात पे जलाल के बादशाह पर वो भरोसा करते हैं तवक्कल रखते हैं और अगर उनके साथ कोई जुल्म और ज़्यादती भी होता है तो वो उसका बदला नहीं लेते बल्कि अपना बदला खुदा उनके हाथ में छोड़ते हैं और क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो दुश्मन भूखा हो तो दुनिया के लोग तो दुश्मन को कहते हैं कि अगर ये भूखा है तो उसको मर जाना चाहिए लेकिन वो लोग उनके लिए फ़िक्र करते हैं और कलाम में लिखा है अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला प्यासा हो तो पानी पिला और यूं तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा वो अपना बदला खुद नहीं लेते वो आदल नहीं बनते वो मुनसफ़ नहीं बनते बल्कि अपना सारा मामला जलाल के बादशाह के हजूर में पेश करते हैं और लिखा है कि खुदाउन कहते हैं बदला मैं ही दूंगा तो वो हलीम है वो अंदर से खाली है, वो अपने जोर को उस काम के लिए इस्तेमाल करने में करने को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ज़ा इलाही पर जलाल के बादशाह पर तोल और भरोसा रखते हैं आपका कहने का मतलब ये है कि यसु सिर अपने शागिर्दों को सिखाया कि उन्हें इस दुनिया में हलीम होना है और इतकाम नहीं लेना किसी से अपने जो है बुराई का इंतकाम नहीं लेना बहुत अच्छा पास्ट साहब अगर आ, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी से आ, मजीद इस पर आ, रोशनी डालें बड़ा अच्छा पाई साहब ने कहा है कि अलीमी का मतलब खुदा पे भरोसा करना है और सब कुछ अगर कुवत है ताकत है सोर्सेज हैं फिर भी बदला नहीं लेना तो खुदा पे भरोसा करना है कि वो हमारा बदला ले हलीमी का मतलब यह भी है कि जैसे गरूर नहीं करना हलीमी का उलट तो यही हुआ ना गरूर नहीं करना तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मतलब कई दफ़ा होता है कि मेरे फलां सोर्सेज़ हैं मैं फ़लां सोर्सेज से काम कर लूँगा हमारा सबसे बड़ा सोर्स हमारा खुदा है हमने उसको इस्तेमाल करना है उसको पर भरोसा करना है और अपने सारे कामों में उसी को जलाल देना है और जब हम अपने सारे कामों में उस पर ट्रस्ट करते हैं भरोसा करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ बेहतर करता है और है हलीम ज़मीन के वारस होंगे ठीक है तो मतलब यह है कि बहुत बड़ी ब्लैसिंग है और अर्थली ब्लैसिंग की बात हो रही है ज़मीनी बरकत की बात हो रही है आज देखें जो कुछ ज़मीन पर बरकतें हैं ये खुदामद की दी और उनको मिलेंगी जो हलीम है और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँ कि खुदामद यसूमसी के पास तो सारा इख्तियार है आसमान की चीज़ों का भी ज़मीन की चीज़ों का भी लेकिन ये उनके लिए हैं जो हलीम अपने कामों में बातों में हलीम होते हैं और लिखा है कि तुम्हारी गुफ्तगु नमकीन हो बरकत मिले तो हमारी गुफ्तगु हमारा बोल चाल इससे भी पता चले कि वाकई मसीह हम में रहता है और यसुम मसीह सबसे ज़्यादा अलीम है उसने कहा मुझसे सीखो मैं लीम हूँ मैं दिल का फ़रोतन हूँ तो यसुम मसीह हमारे लिए एक मॉडल है तो हमने उसको फॉलो करना है फिर ही हम जाके जो खुदा का कलाम कहता है कि फिर हम उस आस्मानी बादशी के काबल बनेंगे हम यसु को फॉलो करेंगे बहुत अच्छे साहब आपने बड़ा खूबसूरत बयान किया आ, अगली मुबारकबादी में खुदा यसुम सी कहते हैं मुबारक हैं वो जो रास्तबाज़ी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे तो ये रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होना क्या है और ये आसूदगी कैसी आसूदगी है रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होने से मुराद ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का मिजाज मिले मसीह का मिजाज मिले मसीह का कैरेक्टर मसी का, का किरदार मेरे अंदर हो मैं मसीह के अंदर पाया जाऊँ मैं मसीह से बाहर ना पाया जाऊँ मैं चर्च में मनादी कर रहा था और मैंने कहा कि मसीह के साथ या मसीह के अंदर तो मैंने एक पेन बाइबल के अंदर रखा और दूसरा बाइबल के साथ रखा और बाइबल को उठाया तो जो साथ था वो नीचे रह गया और जो अंदर था वो उठाया गया तो इस तरह से जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं जब यीशु मसीह आएंगे बादलों पर सवार होकर नृसिंगे की आवाज़ के साथ वो ऐलान होगा तो जो मसीह के अंदर होंगे मसीह की रास्तबाजी के अंदर होंगे जो सचमुच रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं वो उठाए जाएंगे और जो अपनी रूह के अंदर खुदा की रास्तबाजी के भूखे और प्यासे नहीं दुनिया की चीज़ों के भूखे और प्यासे हैं दुनिया की तरफ उनका ख्याल है दुनिया की तरफ उनकी तवज्जो है और वो साथ साथ ये भी रखते हैं हम चर्च भी जाते हैं हम बाइबल भी पढ़ते हैं हमें गीत भी आते हैं हम चंदा भी देते हैं बाजी साहब को और दायकी का कार्ड भी हमारे पास है है वो मसीह के साथ मसीह के अंदर नहीं वो सच्चे दिल के साथ तड़प के साथ मसीह की रास्तबाजी के और भूखे प्यासे नहीं हैं तो वो रह जाएंगे तो यहाँ पे यसु मसीह ने यह जो असूल सिखाए हैं ये आसमान की बादशाह के सिखाए हैं ये आसमान की बादशाह का मंशूर है तो उनमें इस मंशूर के अंदर ये भी ज़रूरी है कि वो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हों यानी कि वो रास्तबाजी की तड़प हमेशा अपने अंदर रखें रास्तबाज़ी यानी कि दुरुस्त राह पर चलते रहें सब आप आ मैं चाहूँगा मजीद इस पर रोशनी डालें ये चूँकि बड़ा अहम बात है अहम सवाल है कि ये रास्तबाजी क्या है और ये आसूदगी क्या है आ, लिखा मुबारक है वो जो रास्तबाज़ी के भूखे तो और प्यासे हैं देखिए इंसान को मुख्त तरह की भूख और प्यास है लेकिन यहाँ पे खुदामद उनको मुबारक कह रहा है जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं तो मतलब रास्तबाजी की भूख और प्यास ये क्या है और रास्तबाजी है क्या जैसे भाई साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया कि यसुम सि का किरदार यसुम सि का जो चाल चलन है असल में वो रास्त क्योंकि सबसे बड़ा रास्त तो खुद यसु है तो मतलब उसकी रास्ते के हमें भूख प्यास रखनी है हमने ख्वाहिश रखनी है हमने उसकी आर्जू रखनी कि मैं मसीह जैसा बन जूँ जैसा किरदार मेरे मसीह का जैसा बिहेवियर एटीट्यूड मेरे यस्व का है मैं वैसा बन जूँ तो वो एक रास्तबाज़ी है लेकिन रास्तबाजी के लिए जो यहाँ पे है राइचसनेस लफ्ज़ इसका मतलब ये एक बैंकिंग की जुबान है कि मतलब जैसे बैंक में किसी के पैसे हों तो पता था जी मेरे पैसे या बैंक में आपके अकाउंट में मतलब आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हों और आ जाएँ इसी तरह रास्तबाजी की भूख प्यास रखें कि ये और आ जाए और आ जाए और आ जाए जैसे बैंकिंग की टर्म है जैसे बंदा उसका एक ख्वाश रखता है इसी तरह इसकी ख्वाश रखनी है कि मैं यस्सू की तरह और रास्तबाज हो यानी भूख भूख लगेगी ज़्यादा खाना खाएंगे भूख लगेगी ज़्यादा तो मतलब रास्तबाजी की ज़्यादा से ज़्यादा भूख हो कि मतलब हमने वो लेनी है तो मतलब इसी तरह मैं वो उसमें बढ़ती जाएगी रास्तबाजी भूख प्यास का मतलब कि बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो ये है एक बैंकिंग टर्म और यसुम सबसे बड़ा रास्तबाज है तो इसलिए हमने यसुमसी को फॉलो करना है और उसकी रास्तबाजी जब आएगी फिर ही हम रास्तबाज होंगे आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो है हमें रास्तबाजी के कामों के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए अच्छे कामों के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए नेक कामों के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए एक मसीही को हर वक्त नेकी के दर पे रहना चाहिए ताकि उससे कोई ऐसा काम ना हो जो खुदा के खिलाफ हो